अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ आपके लिए। बहुत स्पेशल रेसिपी है, वन पॉट मटन पुलाव की रेसिपी है। ये अखनी वाला पुलाव नहीं है, देगी अखनी वाला पुलाव नहीं, अलग है थोड़ा सा और बहुत ही अच्छा है। और जैसे आप बैचलर हो तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, बहुत कोई भी बना सकता है बहुत इजीली। तो यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त ले ली थी, तो ये आधा किलो के करीब गोश्त है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा गोश्त खाता नहीं है कोई, तो इसीलिए गोश्त पकाना इतना कंटाल आता है एकदम। तो यहाँ पर मैंने चाप भी है साथ में, और बासमती का राइस है वो मैंने आधा किलो 500 ग्राम मैंने भिगो के रख दी। तो ये हो गया। तो चलिए आते हैं। ये मैंने 15 से 20 हरी मिर्ची का पेस्ट बनाई हूँ। और यहाँ पर देखिए मसाले देख लेते हैं पहले। क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, और रेड चिल्ली पाउडर है, और सॉल्ट है, गरम मसाला पाउडर है, और ज़ीरा पाउडर है, रोस्ट किया हुआ ज़ीरा ये, और चिल्ली फ्लेक्स है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली डालिएगा। और ये चिल्ली का पेस्ट मैं आज यूज़ कर रही हूँ, इसलिए लाल मिर्ची थोड़ी मैंने हल्की यूज़ करी हूँ। और साथ ही में हम जाएंगे एक नींबू, पूरा अखा नींबू का रस है ये, बड़ा नींबू था, और एक कटोरी दही। तो ये सारी चीज़ें डाल के पहले मटन को मैरिनेशन हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक बड़ा साइज़ का कांदा चॉप किया हुआ, बस यही इंग्रेडिएंट्स लगेगी। और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत अच्छा सा पुलाव बन के तैयार होता है। जैसे आपके गेस्ट आ जाए अचानक में, तो आप ये बना के खिला सकते हैं। आपकी जो आप जैसे इसका नहीं बनाना चाहते तो चिकन का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने नींबू का रस डाल दी थी, दही डाल दी थी, और अभी फ़िलहाल 1 चम्मच भर के हरी मिर्ची का पेस्ट डाली हूँ। फिर बाद में मैं टेस्ट करके डाल दूँगी। तो बाकी सारे मसाले जो भी थे सूखे हुए मसाले, वो सारे मैंने ऐड कर दी हूँ। तो इसके वो मैं अभी स्पून से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। वैसे तो स्पून से तो मुझे जमता नहीं बिल्कुल भी, आप लोग ने देखे मेरे बहुत सारे वीडियो में, मैं ज़्यादातर हाथ से ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो हाथ से मिक्स करने में जो मज़ा है वो उससे नहीं है। एक एक बोटी में उसका मसाला बैठ जाता है, और स्पून से कहीं ना कहीं रह जाता है। तो एक बड़ा सा वेसल ले लेंगे हम, वेसल लेंगे, उसे मैंने गरम करने के लिए रख दी थी, गरम करने के लिए रख दी थी। और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच अमूल का बटर यूज़ करी हूँ, और 3 to 4 टीस्पून मैंने ऑयल भी यूज़ करी हूँ, दोनों चीज़ों का यूज़ करी हूँ। अगर आप सिर्फ चाहते हैं इसमें ऑयल में बनाना तो आप तो भी आप बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं बटर में बनाना तो भी आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है। और अगर आप थोड़ा सा घी भी ऐड करना चाहते हैं जैसे, तो अब वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये गरम हो चुका था, तो मैंने जो चॉप करके कांदा रखी थी वो मैं ऐड कर दूंगी। और हमें इसे ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता, तब तक हम कांदे को चलाते रहेंगे, क्योंकि वैसे भी नॉन स्टिक बर्तन है तो वैसे जलेगा तो नहीं, पर चलाएंगे तो ज़रा जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी अच्छी तरह से गरम नहीं हुआ है ये, तो इसीलिए जल्दी से इसमें आँच नहीं आ रही है। तो यहाँ देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा, कलर भी चेंज हो गया है और पकता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो इसके अंदर हम सारा गोश्त जो हमने मैरिनेशन करके रखे थे वो हम ऐड कर देंगे पूरा एक साथ। अभी इसे अच्छी तरह से इसे भी चला लेंगे, जो ताकि अच्छे से तेल में मसाला अच्छी तरह से बैठ जाए और सारे पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो अभी हमें मैंने इसीलिए वन पॉट मटन पुलाव इसीलिए ये, क्योंकि इसका मैंने कुकर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी हूँ। जैसे जैसे हम लोग गोश्त को गला लेते हैं उसके बाद हम ऐड करते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक बिरयानी का मसाला जो आता है वो ईस्टर्न का है बिरयानी का मसाला, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैंने 2 से 3 चम्मच ऐड कर दी हूँ मैंने। तो बस अभी हमें इसे या तो कोई लीड से आप ढक दीजिए जो ताकि हमारा, और मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है हमें 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि बस हमारा गोश्त जब तक गले नहीं तब तक के लिए। तो यहाँ देखिए अभी भी खोल आ रही है, और हल्का हल्का सा ऑयल भी ऊपर आ रहा है, पर अभी हमारा ग्रेवी जो है अच्छी तरह से भुनी नहीं है, क्योंकि जो ग्रेवी की जो स्मेल होती है जो सारे मसालों की, वो निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास ये बहुत बड़ा पतीला है, तो इसकी लीड जो है वो मिल नहीं रही थी, तो इसीलिए मैंने दूसरे वाले बर्तन की लीड लगा दी थी। तो
ढक के दो ताकि उसमें जल्दी से उसका गोश्त जो है जल्द से जल्द गल जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ देखिए खौल भी आ रही है पर अभी भी थोड़ा हल्का सा कड़क है, तो इसीलिए मैंने गैस के फ्लेम को अभी भी मीडियम ही रखी हूँ ताकि बारीक में वो अच्छी तरह से हमारा गोश्त पक जाए, गल जाए बस अच्छी तरह से। तो ये बहुत गर्म है, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी ये गोश्त, क्योंकि हाथ में तो आ रहा है पर गर्म के वजह से वो टूट नहीं पा रहा है। तो थोड़ी देर 10-5 मिनट और गला लेते हैं इसे गैस पे रख के ताकि उस दौरान हमारा गोश्त गल जाए। तो गोश्त गल चुका था तो इसमें मैंने खाली पानी को, चावल का पूरा पानी मैंने निचोड़ के पानी सॉरी चावल ऐड कर दी हूँ मैंने। अभी हम चावल को 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से चला लेंगे और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए वो। अभी पानी डायरेक्टली ऐड नहीं करना है हमें, 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से चलाते रहना है। और मैं इसमें पानी जो ऐड कर रही थी मैं वो क्लिप में ऐड करना भूल गई हूँ एक्चुअली, वो मैं मुझे लगा स्टार्ट है बटन पर मैं भूल गई थी तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी जितना डालना था मुझे मैंने ऐड कर दी हूँ, और मुझे नमक फीका लगा था तो मैंने नमक भी अभी ऐड करी हूँ। तो इसके अंदर मैंने जो मेरा जो चावल है वो भीगा हुआ था कम से कम 1-1.5 घंटा पहले से, तो इसीलिए मैंने अपने हिसाब से ऐड करी हूँ। तो आप जो भी चावल यूज़ करते हैं आप जितना भी पानी डालते हैं आप उस हिसाब से ही ऐड करिएगा। तो यहाँ पर चावल भी पानी भी ऐड हो गया, नमक भी ऐड हो गया, तो अब बस इसे चला लेंगे। और वही सेम लीड को मैं ढक रही थी पर वो नहीं आ पा रहा था तो इसीलिए मैंने इसे खोल के ही पकाई हूँ, क्योंकि फिर पानी वरना बाहर आता था और चावल हमारे कच्चे पक्के रह जाते थे। तो यहाँ देखिए अभी भी पानी, अभी थोड़ा टाइम बाद मैंने फिर से देखी तो पानी अभी भी है इसमें, तो गैस के फ्लेम को मैंने लो नहीं करी अभी। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरी बड़ी सी प्लेट थी वो मैंने ढक दी हूँ। तो अभी अब देखिए अब पानी पूरा सूख चुका है तो अभी मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी। यहाँ देखिए अभी बस चला लेंगे और हमारा सॉरी मटन पुलाव बनके तैयार है। अलग ही फ्लेवर का है ये, तो कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है बहुत कम रेसिपी में। तो देखिए चटपटा सा पुलाव झटपट बनके तैयार हो गया है। तो कभी भी गेस्ट आ जाए तो आप घबराइएगा मत, इस तरीके का पुलाव बना सकते हैं राइस राइस में। और भी मेरे बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपी है तो वो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आपने अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए तो जल्द से जल्द दबाइएगा सब्सक्राइब का बटन, और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके साथ मैं बहुत सी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी आप बनाना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक फ्राई पैन ले ली हूँ और मैंने इसमें जो ऑयल यूज़ करी वो राई का ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। तो यहाँ पर बस आधे आधे इस तरीके के टमाटर को कट कर लेना है हमें, और मैंने 3 टमाटर ले ली हूँ। तो मैंने क्वांटिटी थोड़ी कम ही बनाई थी, अगर आप चाहते तो आप 4-5 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें उल्टे कर कर के इसे स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है, और एक ढक्कन होगा जो लीड होगी वो उसके ऊपर से ढक देंगे ताकि जो उसका जो छुक्कल है जो स्किन है वो नरम पड़ के उसकी निकल जाए, क्योंकि उसमें स्किन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ देखिए अभी तो यहाँ पर टमाटर हमारे पक रहे हैं तो बस इसे हमें इस तरह से पका लेना है। तो यहाँ देखिए लीड ढकने के बाद तो अभी भी थोड़े से ये हल्के से कड़क थे, तो जो जो मेरे से स्किन निकल रहा था तो वो मैंने फोक से मैंने निकाल ली थी, क्योंकि फोक से अच्छे निकल जाते हैं, पूरी स्किन ही आ जाती है हाथ में। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद नहीं करी क्योंकि नीचे से अभी भी वो पक रहे थे। तो यहाँ देखिए जो स्किन है मैं वो एक एक करके निकालते जा रही हूँ, पर मैंने अभी भी गैस का फ्लेम बंद नहीं करी हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि और भी ये अच्छी तरह से पक जाएंगे तो फटाफट छोड़ देंगे स्किन को। तो बस देखिए इस तरीके का कलर हमें करना है फ्रंट साइड से इसका, उतने टाइम तक हमें इसे स्लो फ्लेम पे पकाना है। तो अभी जितने भी इसके छुक्कल थे वो मैंने सारे निकाल ली और निकालते जा रही हूँ मैं जितने भी निकलते जा रहे। तो फिर वो निकालने के बाद हमें क्या करना है, सेम पैन में
छः से सात लहसुन के जो जबे होते हैं या 8 पीस, वो हमें इसमें अच्छी तरह से फ्राई करना है अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक। तो यहाँ देखिए सारे स्किन निकल गया था, बस थोड़ा सा एक आध पीस रह गया था वो भी मैंने निकाल दी। तो हम कोई भी स्पून से या फोक से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे हम। अगर जो मोटा वाला गोल चम्मच होता है उससे हम कर देंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने भी ये जो चटनी है वो फर्स्ट टाइम बनाई थी, और यकीन मानिए इतनी टेस्टी बनी थी कि आप खिचड़ी के साथ, दाल चावल के साथ, आप रोटी के साथ भी इवन खा सकते, बहुत ही अच्छी से बनेगी। तो यहाँ देखिए बहुत बड़ा टुकड़ा था उसका स्किन का, वो मैंने अभी भी निकाल के डाली हूँ। तो बस हमें इसे पूरी तरह से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए लहसुन भी हमारा हो गया है, कलर भी उसका चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर को जितना हो सका मैंने उसका पूरा पेस्ट जैसा बना ली हूँ। तो अब जो वो लहसुन है वो हमें इसमें ऐड कर देना है, और लहसुन को भी उसी तरह से कुचल के इसमें मिक्स कर देना है, जो ताकि वो अच्छी तरह से पेस्ट में मिक्स हो जाए, अखा अखा ना रहे। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी, अब मैं दोबारा ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि मैंने एक बार खाई तो मुझे बहुत पसंद आई। तो हमें इसी तरह से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे हाथ में फोक था तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं दूसरे स्पून से जल्दी से कर लूँ, मैं फोक से ही उसको मैश करते बैठी थी तो बहुत देर लग गई थी। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा लहसुन भी काफ़ी हद तक मैश हो चुका है। तो इसे हमें दबाते रहना है, क्योंकि लहसुन हमारा पक गया है और बहुत सॉफ्ट हो गया है, तो इसीलिए वो बहुत अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाएगा। और साथ ही में इसके साथ जाएगा कांदा, एक अखा कांदा चॉप किया हुआ, और हरा धनिया चॉप किया हुआ, और साथ ही में सॉल्ट ऐड कर देंगे हम, और आधा नींबू ऐड करेंगे, और इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे बारीक बारीक। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अखी मिर्ची बारीक काट के मैंने इसमें ऐड करी हूँ। अब बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, जो ताकि सॉल्ट और नींबू, जो नींबू का रस हमने ऐड करे, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी चटनी बन के रेडी है खाने के लिए पुलाव के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर।